देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की टर्म में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट, अगर सपोज एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और मैं आपसे फोर्स पूछूं उनके ऊपर, तो आप ये बताएंगे डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर प्लस एम थ्री वी थ्री वैक्टर एंड सो ऑन। ये पहला तरीका है फोर्स निकालने का, लंबा तरीका है। आज तक हम यही करते आए हैं, वैसे न्यूटन के लॉज में नेट फोर्स ही निकालते आए हैं, पैरेललोग्राम से निकाल ली, कैसे भी निकाल ली, लेकिन दो चार पार्टिकल तक तो चल जाती है, 200,000 पार्टिकल तक तो नहीं चल पाएगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली नेट मोमेंटम सिस्टम का, सभी पार्टिकल के सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। ये हम करते आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे को ये अब पुराने मेथड से नहीं करना, मेरे को क्या करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फिर एक काम करते हैं, इस पूरी थ्योरी को रिप्लेस करते हैं। पहली बात तो जो नेट फोर्स निकालने का तरीका चेंज करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ, इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे? टोटल मास एम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक ही बात है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, एक ही बात है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास वेक्टर। देखो मास तो जीरो से कैंसिल ही हो जाएगा। अब डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी टी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास जीरो, ये दो मतलब है, या तो सेंटर ऑफ मास जीरो है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। तो रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, ये रूल कहता है। पर इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल जिंदगी में, इसको एक बार लगा के दिखाना है कि डेली लाइफ में आप ये चीज़ें कैसे देख पा रहे हो। आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअल में ये आपने बहुत बार देखा पर आपने नोट नहीं किया, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट पता ही नहीं था, नोट भी कैसे करते। अब आप इसको, मैं आपको करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल में करके दिखाऊंगा, डेली रूटीन में कहाँ दिखती हैं चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है?